मॉम डैड को इंटरनेशनल टूर ऑलरेडी प्लान हो चुका है। आप लोग गेस करके बताना कि मैं कौन सा कंट्रीज जा रहा हूँ। आज हम उड़ रहे हैं। हैप्पी जर्नी मेरा छोरा। गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। हर गाइस आज ना मैं व्लॉग बहुत ही ज्यादा लेट स्टार्ट किया हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 4 बज गए, 3:52 हो गए एंड अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि गाइज आज ना मेरा बहुत ज्यादा काम था एंड घर का ये सब कुछ पर्सनल काम वाम था। एंड गाइज आप लोगों को पता है ना इंटरनेशनल ट्रिप होने को है, सो उसी सिलसिले में मतलब आज बहुत ज्यादा काम हुआ। तो फाइनली गाइज मैं कल जा रहा हूँ, लेकिन कल इंटरनेशनल ट्रिप नहीं होगा, कल मैं दिल्ली तक जाऊँगा। फिर आप लोग गेस करके बताना कि मैं कौन सा कंट्री जा रहा हूँ। एंड गाइज प्लीज गेस करके कमेंट में बता देना कि कौन सा वाला कंट्री जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊँगा दिल्ली पहुँच के कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड इस बार का ट्रिप ना बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले गाइस सच्ची में। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कल मैं जाऊँगा सिलीगुड़ी क्योंकि मेरा परसों का फ्लाइट है, तो कल सिलीगुड़ी में स्टे करूँगा। और चलो देखते हैं इस बार का जर्नी कैसा होता है। गाइस अभी यहाँ का मौसम तो देखो भाई साहब, एकदम फॉगी फॉगी ऐसा वाला मौसम है। एंड गाइस जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ ना इंटरनेशनल ट्रिप, वहाँ का मौसम बहुत ही अमेजिंग होता है गाइस। चलो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड आप लोग भी एक्साइटेड हो मुझे पता है। लेकिन गाइस इस सीरीज को मतलब एस्केप मत करना, पूरा सीरीज देख लेना, बहुत ही मजा आने वाला है गाइस सच्ची में। गाइस अभी घर में कुछ काम वाम भी चल रहा है, यहाँ पर देखो वायरिंग का काम चल रहा है। ओ भाई क्या हो गया, गिर गया, ये देखो गाइस देखो अभी वायरिंग का काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पर बाहर ना वायरिंग बहुत ज्यादा बारिश की वजह से ऐसा हो गया था, पूरा निकल गया। फिर अभी रिपेयरिंग हो रहा है। यहाँ पर है दीदा। हेलो दीदा, आज क्या इलेक्ट्रिशियन बन गए? हाँ जी, इलेक्ट्रिशियन बन रहा है। एक्चुअली गाइस ये टॉयलेट बाथरूम का ये वायरिंग कर रहा हूँ बाहर का। तो चलो गाइस देखो अभी ना पूरा बारिश की वजह से ना सनफ्लावर का हालत कैसा हो गया, देखो बेचारा सनफ्लावर, इसमें तभी जान भी बचा नहीं गाइस, पूरा का पूरा मर गया। देखो सनफ्लावर का हालत ऐसा है, देखो बर्फी। हेलो, पर देखो मम्मी जी क्या कर रहे हैं। हेलो मम्मी। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते सबैजनालाई। आज तात पनि यस्तो छ मुखले। आज म यहाँ सेलरोटी, फेरी सेलरोटी पोल्दैछु है गाइस। देखो मम्मी जी बना रहे सेलरोटी, स्पेशल सेलरोटी बना रहे। दिल्ली में मैं कुछ दिन रहूंगा वहां पर क्योंकि मेरा कुछ काम है इंटरनेशनल ट्रिप का। अभी वो टिकट और वीजा मैंने नहीं किया है, ऑलमोस्ट डन है, तो उसी के कुछ काम वाम करना है एंड वो तो अपडेट करूंगा बाद में आप लोगों को। तो ये सेलिब्रिटी में ले जाऊंगा और वहाँ पर खाऊंगा, दिल्ली में मजा आने वाला है। कुछ दोस्त भी आने वाले हैं मेरे, तो उन लोगों को भी कुछ दे दूंगा। सेलिब्रिटी खाएगा ना, बहुत ही अच्छा है। मम्मी जी का हाथ का सेलिब्रिटी तो बहुत ही अच्छा। फिर सेल रोटी ठुलिया में भी है, ठुलिया में जज सेलिब्रिटी जज चक्के बताएंगे सेलोटी कैसा हुआ है। एक्चुअली मैंने पहले भी चखा था, दो तो मैंने खा चुका ऑलरेडी एंड ठुले वाले में चख लिया, मम्मी ने चख लिया ना, तो चीनी मिनी सब लगे। चखने का तो सिर्फ बहाना है, मुझे तो खाना है। चखने का बहाना, बहुत टेस्टी है, लाजवाब। गाइस अभी देखो बाहर का मौसम, अभी बारिश शुरू हो गई फिर से भाई। दार्जिलिंग में बारिश कब रुकेगा पता नहीं यार, अभी तो और जोर से हो गया बारिश देखो। गाइस अभी देखो बारिश भी रुक गया एंड मौसम काफी अच्छा हो गया, आप देख सकते हैं ऊपर एकदम मौसम फिर से अच्छा हो गया। गाइस ये हमारा नया घर, गाड़ी रखने का गैरेज जो है यहाँ पर बना, मतलब ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो ही गया है। अभी जो है ना भैया लोग छुट्टी पे गया है, रक्षाबंधन की छुट्टी में गए थे, अभी तक नहीं आया, तो अभी इतना तक तो हो गया कंप्लीट। और ना गाइस हमारे इलेक्ट्रिशियन को तार की कमी हो गई, तो यहाँ पर ये तार लेने के लिए आया था, वायर लेने के लिए आया था, तो एलर्जी निकलना पड़ता पहला है ना। सो गाइस देखो मम्मी जी ने कितना सारा सेलोटी बना दिया है, और अभी ये सेलोटी ना थोड़ा सा नानी माँ को, थोड़ा सा बड़े पापा को, और थोड़ा सा मैं ले जाऊंगा, और पता नहीं किस किस को देंगे, घर में खाएंगे शायद। गाइस मम्मी जी तो दुकान में है बहुत सारा बिजी क्योंकि बहुत ही रेगुलर कस्टमर आया है हमारी दुकान में, अर्चना एंड कांसी। मंथली शॉपिंग बिग बाजार में। मम्मी कोने में क्या ढूंढ रहे हैं? कालो साबुन। कालो साबुन। सो गाइस ये है ब्लैक सोप, हम ना बड़ा मस्त है, ये बर्तन धोने के लिए ये साबुन यूज करते हैं, ब्लैक वाला। क्या आप लोग ऐसे साबुन यूज करते हैं? पता नहीं यूज करते हैं। ये साबुन का कोई नाम ही नहीं है,
ऐसे काला साबुन तो ऐसे रख दिया, काला साबुन रख दिया नाम ना, एक्चुअली इसका ब्रांड नहीं है, नाम से रखा इसके, इसके पता नहीं इसके कार्टन में क्या लिखा है, शीतल शीतल हाँ, लेकिन शीतल कोई नहीं बोलते है ना, काला साबुन बोलते है। अर्चना नहीं खाती है रोटी, खाती है ना अर्चना, पसंद नहीं है अर्चना रोटी, सेल रोटी वेस्ट मत करो, पसंद नहीं है तो मत दो, आलू दम खुद बनाओ फिर हमें भी देख दो, तब तुम्हें सेल रोटी ठीक है, चुप करे था, हला करे किला, चुप करे, हला करे, हला करे की तुम्हें। सो गाइस पता नहीं ये डैडी जी ने लगाया, पता नहीं यहाँ पर रखा था, शायद ये एक्सपायर भी हो गया, पता नहीं एक्सपायर डेट देखो, कांची मुझे लगाया, कांची को कुछ नहीं आता है, सिर्फ खाना आता है, कांची को कुछ नहीं आता है, आया क्या कर दिया, देखो यार ऐसा है ना, नहीं नहीं मैं सिंपली हैंडसम हूँ, देखो कितना हैंडसम लग रहा है, सिंपली तो हैंडसम लगते हैं ना, चलो लो। तो चलो गाइस अभी मैं नानी माँ के घर और बड़े पापा के घर जाके आता हूँ, क्योंकि उन लोगों से जाने से पहले कुछ बातें भी है ना, मुलाकात भी करेंगे, सेलोटी भी पहुँचा देंगे। गाइस फोन में क्या ढूंढ रहे हो, बुझो कांची और अर्चना को याद करना, नहीं तो सारा सेलोटी खत्म कर देगा, ठीक है बाय। भोलि जाने सेलरोटी पोले, मम्मीले सेलरोटी पोले थियो कि, कति बस्छौ अब दसैँमा त आउँछु, आउँदैन होइन, यहाँ पनि नानीमाको सेलरोटी पोजाने आया था, नानीमा अभी डिनर बनाके डिनर रेडी भयो, देखो नानीमा, नानीमा मुझे आलु और क्या है, आलु मात्रै, अलिकति भात पनि हाल्यो नि त्यसको, यो खाउँगा अभी गर्मा गरम। नानीमा बोल रहे कि आज गाजर नहीं है, आज गाजर छैन रे, नानीमा बोल रहे कि आज गाजर नहीं है, बहुत मतलब कुछ अधुरा अधुरा सा लग रहा है गाजर के बिना आलू, क्योंकि नानीमा को गाजर बहुत फेवरेट है, आप लोग पता है ना, मेरो नातिलाई भात पनि हालिदिन्छु, चम्चिम लैदिन्छु, नानीमा ने बनाए आलू और चावल, बहुत टेस्टी है, गोइला मामा बाय 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 बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, हे गाइस गुड मॉर्निंग, सो दिस इज द नेक्स्ट डे, क्योंकि ना गाइस कल मतलब नानी के नानीमा के घर में ऐसे गफ करते करते बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था, उसके बाद मैं बड़े पापा के घर गया, फिर सीधा आके डिनर विनर करके बहुत ज्यादा काम था, पैकिंग वैकिंग करना अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करना, एंड फाइनली गाइस आज हम उड़ रहे, आज नहीं आज तो मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी, और कल मेरा फ्लाइट है, फ्लाइट दिल्ली तक का है, तो नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कहाँ पर होने वाला है, तो आप लोग ज़रा गेस करना, मैं दिल्ली पहुँच के आप लोगों को बताऊंगा कि हम इस बार कहाँ पर जा रहे हैं, तो गाइस बहुत मजा आने वाला है सच्ची में। मम्मी हाय हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्ते सबै जनालाई, गुड मॉर्निंग, ल मम्मी अभी जा रहे हैं दिल्ली, हैप्पी जर्नी मेरे छोरा, सेफ जर्नी, फिर एक कितने दिन के लिए, फिर मम्मी पापा शायद एक महीने दशहरा के आगे आऊंगा मैं, ओके सेफ जर्नी, हैप्पी जर्नी मेरे छोरा, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा काम है ना, दिल्ली में काम है, तो शायद टूर तो 10-15 दिन का टूर है, लेकिन दिल्ली में काम है ना, इसलिए शायद एक महीना तो लग जाएगा घर आते आते, जाना सी यू सून, ओके चलो अभी निकल रहे हैं घर से, अभी डैडी जी को भी बाय बाय करेंगे, बाय बाय, सेफ जर्नी, हैप्पी जर्नी, मजाले घुमेर आउनु, थैंक यू, एकदम लाइव भिडियो देखो, नेक्स्ट टाइम गाइज पक्का मम डैड को इंटरनेशनल टूर ऑलरेडी प्लान हो चुका है, एंड मम अडरी का ना अभी तक पासपोर्ट नहीं बनाया ना, तो उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा अभी ना, नेक्स्ट ट्रिप बन रहा है, नेक्स्ट जो इंटरनेशनल ट्रिप हो ना डेफिनेटली मम डैड के साथ होगा गाइज, हम जाएंगे गाड़ी लाला, एंड गाइज इस बार ना मेरा ज्यादा सामान भी नहीं है, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा सामान दिल्ली में है, एंड चंडीगढ़ में भी कुछ सामान है मेरा ना, पिछली बार मैंने छोड़ा था, तो आप लोगों को पता चलेगा मेरा सामान कितना है और कहाँ पर है, अगले साल मैं ऐसे 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 लेके जाऊँगा। तो गाइस अभी मैं ना दार्जिलिंग से निकल चुका हूँ, एंड एक्चुअली मैं ना आज लोकल टैक्सी में जा रहा हूँ, क्योंकि डैडी जी का भी बहुत ज़्यादा ऐसे काम था ना, तो ऐसे क्यों टाइम वेस्ट करें बोल के ना, आज तो मेरा फ्लाइट नहीं है ना, कल का फ्लाइट है, तो आज मैं रहूँगा सिलीगुड़ी में, तो अभी मैं दार्जिलिंग का कुछ शॉपिंग वॉपिंग है वो कम्प्लीट
थोड़ा बहुत शॉपिंग था वो कंप्लीट करके जा रहा सिलीगुड़ी। तो जो गाइस मिलते आप लोग को सिलीगुड़ी। भाई देखो ट्रेन आ रहा है यहाँ पर। फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूँ सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी पहुंचते ही गाइस देखो पसीना निकलना शुरू हो गया अपना भाई का। तो गाइस मैं अभी यहाँ पर केएस डिजिटल हब में आया हूँ क्योंकि आप लोग पता है पिछले बार मैंने यहाँ पर ड्रोन बनाने के लिए दिया था अपना जो पुराना वाला ड्रोन है। तो वो अभी उन्होंने मैंने कल फ़ोन करके पूछा था ये लोग को अपडेट देते ही नहीं है। मतलब मैंने फ़ोन करके पूछा तो अभी बोलते हैं कि आपका ड्रोन नहीं बनेगा यहाँ पर। तो अभी वही लेने के लिए आया हूँ। तो एक्चुअली मैंने विशाल को भी फ़ोन किया था तो विशाल भी अभी नेपाल में है तो वो लोग राइड पर गया है। तो मैं तो सोच रहा था विशाल को वो ड्रोन छोड़ दूंगा लेकिन मैं विशाल को फ़ोन कर दिया हूँ ऑलरेडी। वो लोग आ रहे हैं आज आएगा तो ये ड्रोन ना मैं विशाल को छोड़ के जाऊँगा। भाई जी सुनो ना वो ड्रोन पिछली बार मैंने छोड़ के गया था ना ड्रोन। फाइनली ड्रोन का काम हो गया है तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस होटल। बहुत गर्मी लग रहा है जाके नहा धो करके रेस्ट करूँगा पहले तो। एंड भूख भी लग रहा है गाइस खाना वाना भी खाना है। नहीं नहीं मोड़ तक गाइस फाइनली अभी होटल चेक इन कर दिया हूँ। सो आई एम गोइंग टू द रूम। रियली टायर्ड गाइस थक गया अभी। फाइनली रूम में एंटर कर चुका हूँ और गाइस गर्मी अभी एसी चालू किया है तो एसी वो ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है गाइस। तो चलो गाइस अभी थोड़ा बहुत नहा धो के रेस्ट करेंगे फिर खाना वाना खा के सो जाएंगे क्योंकि कल दोपहर को मेरे ना 3 बजे का फ्लाइट है तो 12 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। सो गाइस मेरा ड्रोन भी आ गया है। सो ये ड्रोन ना कल मैं विशाल भाई को बुलाऊंगा फिर विशाल भाई के घर में दे दूंगा और फिर जब मैं अपना इंटरनेशनल ट्रिप खत्म करके वापस आऊंगा ना तब ले जाऊंगा। तो कुछ शॉपिंग भी सिलीगुड़ी से करने के लिए तो वो बाद में करेंगे। चलो गाइस ये वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। तो कल तो हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। इस वक्त तो हम दिल्ली का गर्मी खा रहे होंगे। तो यस गाइस आज का ब्लॉग इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए दर्शन ब्लॉग्स। बाय बाय टेक केयर।